हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का ये आठवां वीडियो है और इससे पहले के सात वीडियो, सात टॉपिक हमने आपको करा दिया है। यदि इस चैप्टर का आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता किसे कहते हैं, इसका एक डेरिवेशन है जिसमें हमने इसको फॉर्मूले को प्रूफ करना है। पूरा हम डिटेल में आप इसको समझाने वाले हैं। तो इसका व्यंजक भी हम ज्ञात करेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है गोलीय चालक की धारिता। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे न्यू देख रहे होंगे और बहुत सारे मेरे पुराने भी स्टूडेंट होंगे, तो मैं उनसे जो नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप समझकर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। आसानी तरीके से आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा और याद भी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है इस पर ध्यान नहीं देना है, पहले हम परिभाषा आपको याद कराते हैं। तो देखिए ये सपोज डेट मैं ऐसे मान ले रहा हूं, चलिए जी ये सपोज डेट यहां पर बता दे रहा हूं, ये सपोर्टेड एक क्या है, गोलीय चालक है। ये क्या है, एक सपोर्टेड गोलीय चालक है। और इस गोलीय चालक की ये मान लेते हैं, इस गोलीय चालक की यहाँ पर त्रिज्या, इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो है R। यहाँ पे एक बिंदु O है जो इसका केंद्र है और केंद्र से इसकी मतलब त्रिज्या क्या है, R है। तो ये क्या है, ये है सबसे पहली बात, ये है गोलीय चालक, गोलीय चालक। तो गोलीय चालक की धारिता किसे कहते हैं, इसको मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो ये सपोजेट एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है R। अब सपोजेट हम इस गोले पर हम क्या करते हैं, सपोजेट इस गोले पर यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, इस गोले पर हम सपोजेट क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश इस पर देते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया तो ये क्या करता है, ये चालक अपने अंदर इस आवेश को, ये जो आवेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आवेश को क्या करता है, धारण करता है, धारण करता है। धारण मतलब होता है ग्रहण करता है, स्टोर करता है। तो ये चालक की कुछ ना कुछ क्षमता होगी ना कि ये अपने अंदर आवेश को धारण करेगा। तो आवेश को, जो आवेश है उसको धारण करने की जो क्षमता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय चालक की धारिता कहते हैं। मतलब अगर परिभाषा करना हो तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि किसी गोलीय चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की, आवेश को धारण या आप कह सकते हैं ग्रहण करने की, या तो धारण कहें या आप कह सकते हैं ग्रहण, ठीक है, आप ग्रहण भी कह सकते हैं। तो हम यही कहेंगे किसी गोलीय चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, गोलीय चालक की धारिता कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वही बात हमने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है कि गोलीय चालकों के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता ही, धारण करने की क्षमता ही गोलीय चालक की धारिता कहलाता है। तो गोलीय चालक की धारिता आपने समझ लिया कि किसी गोलीय चालकों के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता ही गोलीय चालक की धारिता कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां से आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ये तो मैंने लिख दिया है जिससे आपका टाइम बचे और नोट्स बनाते हुए चले, अदरवाइज आपको यहीं से याद रखना है। फिगर हमने इसीलिए बताया है कि गोलीय चालकों के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता गोलीय चालक की धारिता कहलाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और जहाँ तक इसके फॉर्मूले की बात करें मैं, तो इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 × R। तो ये आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है, गोलीय चालक की फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, C इज इक्वल टू 4πε0 × R होता है, जहाँ पे R क्या है, गोले की त्रिज्या है।
अब हमें इसी फॉर्मूले को, ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्मूले को प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा। इसी को कह लिया जाता है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसकी ज्ञात कर लेते हैं व्यंजक। तो व्यंजक आप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे क्या, सबसे पहली बात एक फॉर्मूला आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ये याद है आपको इसका फॉर्मूला। ये हमने एक व्यंजक ज्ञात किया था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, इसका याद है हमने डेरिवेशन आपको कराया था। अरे भैया ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, हमने आपको कराया था, क्या कराया था भैया, हमने आपको कराया था V=1/4πε0Q/R, यही तो फॉर्मूला हमने कराया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। पहले हमने ये आपको कराया था, उसके बाद अक्षीय और निरक्षीय पर कराया था। तो पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव में पता चल गया V=1/4πε0Q/R होता है, ये हमने आपको कराया था, शायद आपको याद होगा। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो समझ लीजिए आप किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं, कि आपको अभी दूसरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद ही नहीं है। तो ये बात आप समझ के, हम ये जानते हैं इसलिए हमने लिखा। फिर से एक और चीज़ हम क्या जानते हैं, एक और चीज़ हम जानते हैं कि हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या, धारिता। अब बताइए धारिता का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या आपको बताया था, याद तो होना ही चाहिए, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको याद होगा C=Q/V, आपको याद है ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था, जहाँ पे Q आवेश है, भी है विभव। तो ये हमने फॉर्मूला बताया था धारिता का। यदि जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, समय है अभी, अभी आप सुधर जाइए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। बुरा अगर लगे मेरी बातों को तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, टाइम है अभी, अभी से आप पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे नंबर से पास हो। अच्छे नंबर का मतलब 89, 85 से 95, 99, 97 तक लाएं, ठीक है, वैसे आपको पढ़ाई करना है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी, आप अपने लिए मेहनत कीजिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसको आप समीकरण दो मानेंगे, इसको आप क्या मानेंगे, समीकरण दो। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो देखिए आपको क्या समझना है। अगर आप देखते हैं तो ये हम जानते हैं कि धारिता C=Q/V होता है। देखिए ये अगर यहाँ पे जो V है, तो V के मान को अगर हम ले आकर इसमें पुटअप कर देते हैं, बात समझ रहे हैं, ये V के मान को हम इसके जगह पर रखते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट के मान को सेकेंड में रखने पर, तो रखते हैं जी, हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो रखेंगे तो C=Q/V, अब V के जगह पर 1/4πε0, उसके बाद Q×R हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब ये याद रखेंगे, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, आवेश है, यहाँ पे Q आवेश है। तो ये अगर हम चाहें थोड़ा सा आप समझिएगा, तो यहाँ पे जो आपको ये आवेश दिखाई दे रहा है ना, इस आवेश को कैपिटल क्यू से लिखें या स्मॉल क्यू से, बात दोनों एक ही है, तो इसको मैं कैपिटल से लिख दे, सॉरी स्मॉल ही लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। याद रखेंगे यहाँ पे जो क्यू है वो आवेश ही है, यहाँ पे क्यू आवेश ही है, केवल हमने जो बड़ा लेटर में हमने लिख दिया था क्यू को, आप चाहें तो यहीं पर भी सुधार सकते हैं, यहाँ पर ही मैं क्यू लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है, तो क्यू हमने लिख दिया। तो ये बताइए इस क्यू से ये वाला क्यू कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये 4πε0×R बचा ना, ये टोटल ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर चले गए तो C=4πε0×, क्या मिला, R मिला, और ये अगर हमें मिला तो यही तो है, यही क्या है, गोलीय चालक की धारिता है, ये क्या है, गोलीय चालक की धारिता है। तो गोलीय चालक की धारिता C=4πε0×R, बताइए यही ना फॉर्मूला प्रूफ करना था, हमने कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड
हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको आसानी तरीके से गोलीय चालक की धारिता समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको समझ में आ रहा है आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सपोर्ट तो आपको ही करना है, तो कर दीजिए यार, क्या दिक्कत है। अदरवाइज मैं आपके लिए एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।